वीनस लीडर और मरकरी लीडर, ग्राउंड लीडर, ग्राउंड एम्बेसडर और हमारे टॉप लीडर, प्लीज वेलकम ऑल सेलिब्रिटीज हमारी और दुनिया के, आप ही डायमंड बन रहे हैं। सबसे बड़ा मंच आपका स्वागत करता है, आप आइए। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार सिक्के ऑन लाइफ, नमस्कार ऑल डायमंड्स। दोस्तों मैं राजकुमार, आज आपका इस ऐतिहासिक हॉल में जहां आने के बाद हर आदमी के ऊपर एक डायमंड सिक्की मोहर लग जाती है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप खुश हैं? Yes! मजा आ रहा है? Yes! मुझे तो बहुत आ रहा है और मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल, सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज इस हॉल में, इस स्टेज पर हूं। ये 5-6 साल पहले का सपना था जो आज मेरा पूरा हुआ है, लेकिन दोस्तों इस सपने को पूरा करने में मेरे अकेले का हाथ नहीं है। मैं अकेला वो आदमी नहीं हूं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे उन सारे ग्रेट गुरुओं का जो आज मेरे सामने है, मेरे महागुरुओं का जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा है। मैं चाहता हूं तालियां हले के साथ बजनी चाहिए, तालियों में थम होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सारे के सारे गुरुओं को, सारे गुरुओं को जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को बनाया, इस अपॉर्चुनिटी को इतना आगे बढ़ाया। और दोस्तों मुझ जैसे इन अचीव को इस बिजनेस में आने का मौका मिला, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर राम गोपाल कश्यप जी, जिनकी वजह से ये सिक्योर लाइफ बिजनेस को देखने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों इस मिट्टी को मूर्ति बनाने का जो आकार दिया है, मैं जरूर चाहूंगा उसके लिए बहुत जोरदार ताली बजनी चाहिए, मिस्टर टिकेन सिंह चौधरी, एक जोरदार ताली बजनी चाहिए, एक जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक बहुत अच्छे आदर्श के रूप में इस बिजनेस में आगे बढ़ाने की सलाह दी और मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाया, मैं चाहूंगा उनके लिए बहुत जोरदार ताली मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, जोरदार ताली। मैं चाहता हूं उन लोगों के लिए हल्ले के साथ ताली बजनी चाहिए, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, तालियों की भरमार होनी चाहिए, तालियों की भरमार होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस काम को हिंदुस्तान के कोने में पहुंचा दिया और मुझ जैसे ना चीज को इंसान बना दिया। आप इंसान बनना चाहते हो? दोस्तों कामयाबी का सफर इतना आसान नहीं है, यह कामयाबी का सफर इतना आसान नहीं है। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? भाई साहब 40-50 साल एक आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है तब जाके वो कुछ चंद रुपए कमा पाता है, सच है कि नहीं? तो सिक्योर लाइफ में ज्वाइन होने के जस्ट बाद आपको यहां से एक बात मिलती है कि आप इस बिजनेस से 4-5 साल में 40-50 लाख कमा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है डिसीजन लेने के बाद काम करने की। लोग डिसीजन लेते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मैं चीज देखता हूं यार, ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग इस बिजनेस में आने के बाद सारे लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? कारण पता है ना आपको? पता है कि नहीं?
बोल रहे हैं साहब, यस हमको पता है। जो लोग यस बोल रहे हैं ना, ये कंफर्मेशन है, अगर उन्होंने दिल से यस बोला और उनको पता है तो 100% इस होल में बैठे हुआ हर आदमी डायमंड बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उस आदमी को, 100% डायमंड बनेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज से 5.5-6 साल पहले सिक्योर लाइफ बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा मैसेज है, वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? यू कांट बिलीव, शायद आपको इस बात का भरोसा नहीं होगा, लेकिन आज करना पड़ेगा। राजी और गैर राजी, भरोसा तो करना पड़ेगा। जब मैं सिक्योर लाइफ बिजनेस को ज्वाइन कर चुका था तो मैं अपने अपलाइन से एक बात पूछता था कि मैं साहब ये बताओ कामयाब कैसे होना है। आपने लाखों रुपए कमाते हैं, आपने लाखों रुपए कमाए हैं, मैंने लोगों को देखा है, ऐसा पैसा कैसे कमाना है? बोले राजकुमार जी, आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका आया है, अगर आप उस मौके को ले लेंगे तो गारंटी है कि आप ये सब कर पाएंगे जो आप देख पा रहे हैं आज। मैंने कहा सब जल्दी बताइए। बोले आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैंने आज फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के 7 दिन बाद एक नेशनल कन्वेंशन करके इसी हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद वो प्रोग्राम था और उसका एंट्री पास भी था। लेकिन नहीं, इफ इन एनी हाउ रामगोपाल जी ने एक बात मुझसे बोल दी, चुप गई मुझे। रामगोपाल जी बोलते हैं कि राजकुमार जी, आपने इस बिजनेस को देख लिया है और डायमंड सिर्फ इस बिजनेस में मिलने के लिए टीम चाहिए 10,000 लोगों की, नेटवर्क चाहिए और वहां पहुंचने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, बिना उसके आप कर नहीं सकते। तो मैंने कहा सब ठीक है, और आपने कामयाब होने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अगर आप दिल्ली चले गए तो वहां मोहर लग जाएगी, क्योंकि कागज कोई भी बिना मोहर के अप्रूव्ड नहीं होता, सही है ना? तो मैं वो बोले मेरे को, मैं बोला ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो सोचेंगे। पर मेरा बैकग्राउंड तो सुन लो यार, इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, और मेरी सैलरी जानना चाहेंगे थोड़ा सा संभल के जानना, 1200 रुपए महीना। हेलो, 1200 रुपए महीना मेरी सैलरी, मतलब मुझे वहां से 1200 रुपए मिलते थे, और वहां कंडीशन थी कि भाई धोती कुर्ता पहनना बहुत जरूरी है, और टीका लगाना, अगर तुम टीका लगा के नहीं आए तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी एक दिन की। कंडीशन समझ में आ रही है आपको? 1200 रुपए के लिए स्कूल में पढ़ाना, और वहां कंडीशन क्या है, अगर धोती कुर्ता पहन के नहीं आए तो स्कूल मत आना, अगर आपने माथे पर टीका नहीं लगाया, टीका मीन्स तिलक, आचार्य जी वाला तिलक, समझ गए ना, हल्का सा वो होना चाहिए, वो जरूरी है। और उसमें हम कर रहे थे एडजस्ट, 2004 22 जून। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हर बाप का एक सपना होता है, मैंने अक्सर देखा है, अक्सर हमारे पिताजी अपने कपड़े बदलना भूल जाते हैं लेकिन हमारे कपड़ों का कितना ख्याल रखते हैं, रखते हैं ना, कभी कभार उनकी बनियान में 2 छेद हो जाते हैं, वो उनको नहीं दिखते, लेकिन हमारी पढ़ाई के ऊपर वो प्रॉपर खर्च करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? और दोस्तों मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा लड़का पढ़ करके कोई ना कोई नौकरी करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। और बाप के 2 सपने होते हैं कि मेरे बच्चे को एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाए और एक बढ़िया छोकरी मिल जाए। हेलो भाई साहब, नौकरी तो नहीं मिली पर छोकरी को मिले हुए आज 9 साल हो गए। शुरुआत मैंने वहीं से करी है, और आज के टाइम पर अगर सुंदर बीवी मिल जाए ना तो बड़े लफड़े क्यों, अगर बीवी स्मार्ट मिल गई तो भाई साहब फिर तो मेहनत करनी, फिर तो घर से निकलना, बड़ी तकलीफ थी जिंदगी में। और मैं सोचता था, भगवान को दोष देता था कि यार भगवान तेरे मेरी किस्मत को किस पेन से लिखा है, यार हो क्यों नहीं रहा, ये कहीं चिपक क्यों नहीं रही, पर यार उसको कुछ और मंजूर था, उसके कुछ और मंजूर था। दोस्तों मैंने भगवान तो नहीं देखा कि भगवान कैसा होता है, लेकिन उस आदमी को मैं भगवान से ज्यादा मानता हूं जिस आदमी ने मुझे
सिक्योर लाइफ बिजनेस के बारे में बताया दोस्तों। मैं भगवान से ज्यादा मानता हूं इस आदमी को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और उसके एक कमेंट से दिल में ऐसा घाव हुआ। उसने बोला कि राजकुमार जी कितना कमा लेते हो आप टीचिंग से, तो मैं कितना बताता। बोला कि अगर आपको मैं 5 से 6 हजार की कोई जॉब दिलवाऊं या कोई काम बताऊं मैं आपको, तो कर लोगे? मैंने कहा भाई साहब तेरा माथा किधर है, तेरा गाल किधर है, समझ रहे कि नहीं? बोला भाई साहब बताओ अगर कुछ है तो। और मैं सिक्योर लाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद यहां देखा मैंने कि लाखों लोग जिंदगी बना रहे हैं, लाखों लोग, अरे पलक झपकते ही लोग यहां से कारें खरीद रहे हैं। मैं बोला यार इसमें कुछ तो दम जरूर होगा, करना चाहिए इस काम को। मैंने ज्वाइन कर लिया बिजनेस। और उसके बाद राम गोपाल जी ने एक ऐसी पीछे से सुई लगा दी, सुई समझ गए ना, अगर इस काम में तुमको डायमंड बनना है, लाख रुपए कमाने हैं, तो एक काम करो राजकुमार दिल्ली चलो। तो मैंने बोला भाई साहब रेल हमारे पिताजी की है, जरूर चलेंगे। अरे मेरे फादर रेलवे में है ना, सर्विस करते रेलवे में, रेल फ्री होगी कि नहीं होगी, तो जरूर चलेंगे। और एडजस्ट किया, दिल्ली आए हम। और दोस्तों हमने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। दिल्ली में कहां आए थे पता है ना आपको? दोस्तों वो कोई और जगह नहीं है, यही इंदौर कटोरा स्टेडियम है। क्या मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था, यही इंदौर कटोरा स्टेडियम है जहां पर मैंने इस काम को पहली बार देखा था। और उस जगह बैठा था मैं, वो जो पीछे से तीसरे नंबर पे जो बैठा है वो बंदा, वहां बैठा था मैं। और यहाँ लाखों लोग, यहाँ पर लाखों रुपए की बातें चल रही थी, यहाँ पर हजारों की भीड़ थी, और यहाँ पर मैं देख रहा था यार ये हो क्या रहा है, इतने लोग इस बिजनेस में, इतना बड़ा बिजनेस है ये, आई कांट। और यहां जब मैंने देखा लोगों को रिकॉग्निशन लेते हुए, सर जैन साहब की रिकॉग्निशन हो रही थी मरकरी की विधियां से, और उसको मैं देख रहा था, मैंने बोला यार इतना मान सम्मान, इतनी बड़ी जिंदगी। उस समय बैठे बैठे एक धीरे से आवाज आई मेरे बगल से, आवाज सुनना चाहिए क्या थी वो? और उसकी आवाज ने मेरी जिंदगी बनाई दोस्तों। अगर वो आवाज ना आती तो मैं शायद सिक्योर लाइफ में यहां तक ना पहुंचता। धीरे से आवाज आई मेरे बगल से, आई ऐसे करके बगल से आई, वो बोलती है बोल दू बोली जानू क्या हमारा भी एक दिन उस स्टेज पर नंबर आ सकता है? कौन ने बोला? अरे मेरी बीबी ने बोला है, कितने और वही बात यहां पर घर कर गई। उसको मैं बोला कि आप कैसी बात कर दी, उसकी आंखों में सीरियसनेस थी, उसकी आंखों में गमक थी, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक भी थी जो मुझसे कह रही थी कि राजकुमार यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और उस समय थैंक यू वेरी मच, और उस समय मैंने डिसीजन लिया, कैसी बात करती, एक दिन तुझे इस स्टेज पर आके दिखाऊंगा, एक दिन मैं भी ये सम्मान लेके दिखाऊंगा। और दोस्तों उसके बाद लगातार मेहनत, लगातार प्रयास, लगातार काम, लगातार वो सारे काम जो सिक्योर लाइफ बोलती है, सर लोग बोलते हैं, आदर्श बोलते हैं, उन्हें बातों को फॉलो किया, उन्हें बातों को माना। और दोस्तों उसके बाद थैंक यू वेरी मच, कहीं सपना सपना बन के तो नहीं रह जाएगा? उसके बाद इस प्रोग्राम में, इस होल में आने का मौका ही नहीं मिला, उसके बाद इस ताल कटोरा में आने का मौका ही नहीं मिला। और इन 5.5-6 साल का सफर पूरा किया, ये 6 साल का सफर पूरा किया, और अगर मौका मिला भी, सर ने सीक्रेट पिक्चर दिखाई थी, और मुझे बाद में मालूम पड़ा कितनी ताकत इस पिक्चर के अंदर। उस समय मैंने कमिटमेंट किया था कि यार एक दिन डायमंड बनूंगा, इस स्टेज पे आऊंगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि यार एक दिन ये राजकुमार डायमंड बनने के लिए इसी हॉल में आएगा और यही डायमंड बनेगा। ये हुआ मेरे साथ, ये डायमंड बनेगा, ये हुआ मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, ये सपना पूरा हुआ और मैं आ गया। तो बताइए दिल से, दिल से
से